श्री नरेंद्र मोदी जी। एड्रेसिंग हिज फर्स्ट इलेक्शन रैली इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिस्ड द पीपल ऑफ कश्मीर टू रिस्टोर इट्स लॉस्ट ग्लोरी एंड टच्ड अपॉन वेरियस इश्यूज सच एज परपेचुअल प्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज एंड लैंग्विशिंग टूरिज्म इंडस्ट्रीज। Displaying his usual swagger, Modi said that Kashmiris have been fed many lies about refugees but nothing has been done as yet and it's his duty to resolve their problems on priority basis. यहां इतना झूठ फैलाया जाता है रेफ्यूजी के संबंध में और हमारे यहां रेफ्यूजी भी अनेक प्रकार के हैं, यानी हमारे यहां एकदम पीओके के रेफ्यूजी से लेकर के युद्ध तक के रेफ्यूजी का पूरा चांस करीब 12 लाख लोग है, 12 लाख। झूठ फैलाया जा रहा है कि उनकी कोई चिंता नहीं होगी। मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर कहना चाहता हूं, ये मोदी है, करके रहेगा। 50 साल से रेफ्यूजी की जितनी समस्याएं उन सबका समाधान करना ये मेरा अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं। Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's words, democracy, humanity and Kashmiriyat, found a special mention in Modi's address in Kishtwar as he promised to turn Vajpayee's intent into reality. जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया है उस काम को पूरा करना ये मेरी दिली इच्छा है और इसलिए मैं बार बार आता हूं। Underscoring the depleting number of tourists in the state, Modi said had Indian government promoted tourism in the state, it would have been the richest state of India. आज पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से कोई अगर व्यवसाय विकसित हो रहा है तो वो है टूरिज्म। पूरी दुनिया में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक हम ही जम्मू कश्मीर के लोग हैं कि जहां हमारा टूरिज्म डूबता चला गया। भाइयों बहनों, आज अगर हम टूरिज्म में आगे होते हैं तो हिंदुस्तान का सबसे धनी ये राज्य होता। He took a special note of Indian film industry's diminishing interest in Kashmir. According to him, there was a time when spellbinding beauty of Kashmir had a special place in our films. But lately, due to various reasons, Bollywood had abandoned Kashmir and moved to foreign countries. हमारी फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर के पीछे पागल हुआ करती थी। कोई फिल्म ऐसी नहीं हो कि जिसमें कश्मीर का शूटिंग ना हो तो फिल्म चलती नहीं थी। वो यहां से चले गए, न्यूजीलैंड चले गए और देशों में चले गए। मुझे उन्हें वापस लाना है। इन वादियों में फिर से शूटिंग होना चाहिए, दुनिया को इसका नजारा देखने को मिलना चाहिए। As usual, he didn't go easy on the opposition parties, who according to him have been looting Kashmir. की मिली भगत है, ये दो परिवारों की परफेक्ट मिली भगत है जी। वो बराबर पक्का कर लेते हैं ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना, फिर लोग गालियां देंगे, तुम हट जाना, हम आ जाएंगे। यहां पर लूटने का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जी। Powered by NNIS.